खुश नसीब होते हैं जिन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलता है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कंबोज आज आपके लिए एक खास जानकारी लेके आया हूँ। बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का UIT संस्थान इस साल एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने DRDO के साथ मिलकर इस कोर्स को शुरू किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रदेश की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एमटेक शुरू की गई है। इस कोर्स को लेकर हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा से बातचीत की। ये जो हमारा सत्र 2021-2022 शुरू होने जा रहा है, इसमें हमारा जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग मास्टर्स डिग्री इन डिफेंस टेक्नोलॉजी ये हम शुरू करने जा रहे हैं, और ये प्रयास हम लोग DRDO के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसके लिए हमारे को AICT का अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। इसमें हम 24 विद्यार्थियों को इसमें एडमिशन देंगे, और लगभग 42 स्पेशलाइजेशन हमारी जो इंजीनियरिंग के हैं वहाँ से जो बच्चे ग्रेजुएट होकर आएंगे वो सब इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके जो 6 स्पेशलाइजेशन हैं मुख्य रूप से, उनका अध्ययन इसमें करवाया जाएगा, जिसके अंदर हमारी जो कम्युनिकेशन एंड सेंसर टेक्नोलॉजी है, हमारी कॉम्बैट व्हीकल इंजीनियरिंग है, इसी तरह से आजकल हमारा जो एक हाई एनर्जी मटेरियल्स हैं और डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी है, इनके ऊपर भी इसमें विशेष रूप से अध्ययन होगा। और ये 4 सेमेस्टर्स का कोर्स रहेगा, और 4 सेमेस्टर्स के बाद बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे सुविधाएँ जो उपलब्ध हो रही हैं उसके हिसाब से उनको रोज़गार भी बहुत अच्छा मिलने की ऐसी उम्मीद है। और हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, अभी हाल ही के वर्षों में सरकार ने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग की अपार इसमें संभावनाएं हैं, तो उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी हमारे जो यहाँ से ग्रेजुएट निकलेंगे उनको रोज़गार मिलेगा, और डिफेंस सेक्टर के लिए भी एक ट्रेंड मैन पावर इस एमटेक प्रोग्राम के द्वारा वो उपलब्ध रहेगी। तो इसमें दोनों तरफ से हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और डिफेंस के लिए एक ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल रहेगी, ऐसी हमारे को उम्मीद है कि ये बड़ा सक्सेसफुल रहेगा हमारा प्रोग्राम। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह का मास्टर प्रोग्राम ऑफर करने जा रहा है। कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा से बातचीत करने के बाद हमने UIT संस्थान के निर्देशक डॉक्टर CC त्रिपाठी से बातचीत की, और इस एमटेक के बारे में बच्चों के जो जो प्रश्न उठने वाले थे और इस में एडमिशन किस प्रकार होगा, कितनी सीटें हैं, सभी जानकारियों पर हमने विस्तार पूर्वक बातचीत की। मुझे आप सभी से साझा करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हमारे माननीय वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी के नेतृत्व में हरियाणा में फर्स्ट टाइम डिफेंस टेक्नोलॉजी में एमटेक डिग्री शुरू करने जा रही है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में एमटेक डिग्री शुरू करने जा रहे हैं, इसमें 24 स्टूडेंट्स को एक बैच में एडमिशन दिया जाएगा, और AICT से इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमने मान्यता प्राप्त कर लिया है। इस प्रोग्राम के अंदर कुल इंजीनियरिंग के 48 डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स जो BTEC कर चुके हैं वो एलिजिबल होंगे। ये जो मैन पावर हम अगले 2 साल में MTEC करके निकलेंगे, उनमें हम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के, जैसे नवल टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे एलाइड ब्रांचेज हैं जो डिफेंस के से संबंधित हैं, उनमें स्टूडेंट्स को एक स्पेशलाइज डिग्री प्रदान करेंगे, जिससे कि वो प्रिपेयर हो सकें कि हमें क्या इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है या खुद करनी है या किसी डिफेंस के लैब में सर्विस देनी है। मैं इस विषय का आपसे बड़ी प्रसन्नता के साथ शेयर कर रहा हूँ कि DRDO ने खुद इनिशिएटिव लिया है और AICT के साथ MOU साइन किया है कि ये देश की अति आवश्यक आवश्यकता है कि हम इस तरह के प्रोग्राम चलाएं, और DRDO की लैब्स AICT के साथ मिल करके उन्होंने डिटेल प्लानिंग किया है कि कौन सा सब्जेक्ट डिफेंस की किस लैब का कौन सा साइंटिस्ट पढ़ाएगा, और इसके साथ साथ उन्होंने जो गाइडलाइंस जारी किया है AICT ने, उसमें उस साइंटिस्ट के नाम, मोबाइल नंबर और लेबोरेटरी का नाम, और साथ साथ विषय का नाम भी दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट टीचर जो है कौन सा विषय को लेगा। साथ साथ ये भी डिटेल किया गया है ब्रोचर में कि इंस्टीट्यूशंस जो इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जैसे हम लोग UIT कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है, उसके टीचर्स क्या क्या प्रोग्राम
ले सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। लेबोरेटरीज का जहाँ तक सवाल है, वो डीआरडीओ की लैब्स में डीआरडीओ के चेयरमैन ने सारे डीआरडीओ के डायरेक्टर्स, लैब्स के डायरेक्टर्स को पत्र भेज दिया है कि आप इनके साथ साझा करके एमओयू साइन करके और अपने टीचर्स को इस काम के लिए उपलब्ध कराएं। डीआरडीओ के जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग भी इसमें हमारे को सहयोग देने के लिए तैयार हैं, जिससे कि हम उत्कृष्ट क्वालिटी के मैन पावर का प्रोड्यूस कर सकें। इस साल कोविड को ध्यान में रखते हुए एडमिशंस जो हैं वो मेरिट बेस पे होंगे और उसकी ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विद इन ए वीक जो एडमिशन की ब्रोचर है वो जारी करने जा रही है। हमारे पास सकुशल मैन पावर, योग्य लेवल, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के मैन पावर जनरेट होंगे, जो डिफेंस की आवश्यकता है, जो पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर के, वो हमारे देश में ही पूरी होगी। और टेक्नोलॉजी जो होगी वो यहीं पे भारत के अंदर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। इससे देश आत्मनिर्भर तो होगा ही इक्विपमेंट्स की परचेस के और सप्लाई के संदर्भ में, साथ साथ हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हम किसी और के इक्विपमेंट पे काम नहीं कर रहे होंगे। अगले आने वाले 8 से 10 साल के बाद जो इक्विपमेंट्स डिफेंस में यूज किए जाएंगे वो हमारे अपने बने हुए होंगे, तो उसके सारे सेक्रेट्स हमारे पास होंगे। अभी जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, इम्पोर्टेड यूज करते हैं, तो एक जो सिक्योरिटी का रिस्क रहता ही रहता है हमेशा। एक माइक्रोमीटर में हजारों की संख्या में डिवाइसेज होती हैं, तो एक माइक्रोमीटर साइज का भी अगर 10 पार्टिकल चिप पे प्रोसेसिंग के समय गिर गया तो हजारों डिवाइसेज को खत्म कर देगा, तो वो न हो इसके लिए इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट किया गया। मटेरियल्स की लेयर्स डिपॉजिट करने के लिए ये इक्विपमेंट यूज करते हैं, और इस इक्विपमेंट से हम कितनी भी हाई मेल्टिंग पॉइंट की मटेरियल है उसको मेल्ट करके डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम गन सोर्स है, जो रिफ्रैक्टरी मेटल्स हैं, रिफ्रैक्टरी मेटल्स हम उसको बोलते हैं, टंगस्टन है, टैंटलम है, टिटेनियम है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, उनको भी मेल्ट कर देता है वैक्यूम के अंदर। ग्लास बोलते हैं इसको, तो बेसिकली पीसीबी शीट है जिसके ऊपर कॉपर की डिपॉजिट है, दोनों साइड में कॉपर की लेयर है। और बेसिक डिफरेंस क्या है कि बोथ साइड कॉपर है इसमें। प्रिंटर सर्किट बोर्ड में नॉर्मली एक साइड कॉपर होता है, या मल्टी लेयर जो पीसीबी होती है उसमें बोथ साइड कॉपर होता है, तो इसमें बोथ साइड कॉपर है। जो बॉटम है जो ग्राउंड यूज होता है वेयर्स के लिए, और टॉप जो है वो स्ट्रक्चर यूज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, एक एक ये सिंगल यूनिट सेल आई है, तो ये यूनिट सेल जो है ये एज एक्स बैंड के लिए परफेक्ट ऑब्जर्वर है। ये जो ईसीजी का, जैसे आपने देखा होगा ईसीजी का सेंसर होता है, तो ईसीजी के लिए सेंसर बच्चों ने यहीं पे डेवलप किया है इसी लैब में। आरएफआईडी टैग्स आ रहे हैं ना व्हीकल्स में लगाते हैं, जिससे व्हीकल का आईडी पता लग जाता है और व्हीकल ने रिचार्ज कराया है कि नहीं। फास्टैग है, छोटी सी जो ब्लैक डिवाइस है वो मेमोरी डिवाइस है, जिसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, पूरी व्हीकल की डिटेल इसमें अंदर स्टोर होगी, प्लस अमाउंट कितना चार्ज किया है वो स्टोर होगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी देखिए अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि डिफेंस से जुड़ना हर किसी के लिए प्राउड फील वाली चीज है। बट हम डिफेंस को क्या दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है हमारे पास लैब फैसिलिटीज है, तो हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज बना सकते हैं जो डिफेंस के लिए यूजफुल है। जैसे कि हम आरएफआईडी टैग की बात करते हैं, तो जनरली क्या होता है, जो हमारे भाई फौजी भाई वहाँ पे हिल स्टेशन पे या बर्फ के एरिया में काम करते हैं, और वो नीचे कई बार जो आइस स्लाइडिंग होती है तो नीचे दब जाते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहती है कि कहाँ पे है, उनको सर्च करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उनकी सर्चिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, आरएफआईडी टैग बना सकते हैं, जो ज्यादा रेंज तक डीप तक उनको हम उनके साथ अटैच करके और उनको सर्च कर पाए कि वो कहाँ पे है, तो वो आरएफआईडी टैग से कर सकते हैं। बाकी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स डिफेंस के अंदर बहुत सारे यूज होते हैं, उनके अंदर हम कर सकते हैं, सेंसर्स जो सेंसिंग डिवाइसेज हैं वो यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजीज आजकल एडवांस है, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बहुत बड़ा यूज है, तो यहाँ पे हमारे पास उनको फैब्रिकेट करने की जो है मशीन्स काफी अवेलेबल है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है किसी कोर्स को लेकर, अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।